The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. किसी प्रकार की itching, किसी भी प्रकार का swelling, कोई प्रकार की rash, यानी कि उठा हुआ सा पिंपल आपके शरीर के ऊपर बग बाइट हो सकता है. सो क्या कैसे पता करेंगे कि आपको कोई बग बाइट है या नहीं है, और अगर वो स्वेलिंग है, वो इचिंग है, वो बग बाइट है, तो फिर वो क्या खतरनाक हो सकती है या नहीं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. सो और उसको रिलीफ करना, उसमें आराम पाना, ये अपने आप में एक टोटली अलग सवाल पैदा करता है. सो इसी चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे. राइट, थैंक यू. ओके, सो मॉस्किटो एक सबसे कॉमन बग्स में एक आता है, मॉस्किटो, याद रखिए. और मॉस्किटो सबसे एक्टिव होते हैं डॉन या डस्क के टाइम पे, मतलब सूरज उगते समय, सुबह सुबह, या सूरज डूबते समय. तो सूरज उगते समय या सूरज डूबते समय अगर आपको हो रही है कहीं पर भी इस तरह की दिक्कत, तो वहाँ पर मॉस्किटो कैन बी यूजुअली पाया जा सकता है. ह्यूमिड शेडेड एरियाज़ में, जहाँ पर वाटर स्टैंडिंग है ज़्यादातर केसेस में, ऐसी जगहों पे बग मॉस्किटो बाइट्स पाए जाते हैं. और यानी पूल्स हो गया, लेक्स हो गया, और इससे क्या होता है, लाल रेड इचिंग आ सकती है, और एक छोटा सा पंक्चर वूंड दिख जाता है आपको. सो यू कैन आइडेंटिफाई कि ये मॉस्किटो बाइट है, पंक्चर वूंड होता है सेंटर में. यहाँ पे जो फ्लाइज होती हैं, फ्लाइज ये कचरे के पास मिलती हैं, गार्बेज के पास, खाने पीने चीज़ों के पास, एनिमल वेस्ट के पास. तो कहाँ काटा, कहाँ किस एरिया में थे आप, वो भी मायने रखता है. उसमें फ्लाइज ने अगर काटा आपको, मक्खियों ने काटा, तो वो खुजली होगी. मॉस्किटो में थोड़ा सा इचिंग हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हो, लेकिन फ्लाइज से खुजली होगी. और जो फ्लाइज काटते हैं तो ओके, सो फ्लाइज काटते हैं तो वो इची बम्प छोटे से पानी से भरे हुए ब्लिस्टर में बन सकता है. सो दैट कैन बिकम अ ब्लिस्टर, याद रखिए. उसके बाद में फायर एंट्स, जो भाई साहब लाल रंग के चिकाटे, वट एवर यू कॉल इट, वो होते हैं, वो भाई साहब लॉन्स में, पार्क में, ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं, और वो बहुत ही ज़ोरदार दर्द करते हैं. इमीडिएट वो तो देख ही लोगे आपकी इसी ने काटा है, क्योंकि वो आपके आँखों के पास से निकल नहीं सकता, इतनी ज़ोर से काटता है. बर्निंग चटाक ऐसी काटेगा कि नानी याद आ जाएगी, उसके बाद सूजन आ जाएगी, थोड़ा सा फ्लूइड भी आ सकता है जो काटा उसके आसपास, वहाँ से, याद रखिए. उसके बाद में फ्लीज भी होती हैं, फ्लीज आर पेट्स के आसपास ही होते हैं, राइट. जो अगर आपके घर में पेट है या पेट के आसपास आप जा रहे हो, तो वहाँ पर फ्लीज आर अ पॉसिबिलिटी. और फ्लीज जब काटते हैं तो वहाँ पर छोटे 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 क्लस्टर वूंड्स हो जाते हैं, टक 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 टक, क्लस्टर वूंड्स, जो छोटे छोटे क्लस्टर होते हैं. और टिपिकली ये जहाँ पर वहाँ ऐसे एरिया में होते हैं, ऑन दैट एरिया ऑफ द बॉडी विच बेसिकली क्लोदिंग इज़ वेरी टाइट, फिट क्लोदिंग टाइट एरियाज़ में, वहाँ पर इसी देखा गया है काटने में. और जो बेड बग होते हैं, बेड बग अलग चीज़ है. बेड बग बेड के अंदर, चेयर के अंदर, काउचेस के अंदर, काउचेस के अंदर पाए जाते हैं, और ये कुशन्स, फोल्डिंग कुशन्स, वहाँ पे पाए जाते हैं. और इसमें क्या होता है, 2 से 3 इची रेड बम्प एक साथ आ सकते, 2 से 3 4 ऐसे, बस ज़्यादा नहीं आएंगे, 2 से 3, और वो फिर उसके ऊपर ब्लिस्टर यानी पानी भर सकता है. तो ये सारे होते हैं अलग अलग प्रकार के, मोस्ट कॉमन. और जो बग बाइट में ऑब्वियसली आपको इचिंग, स्वेलिंग, ब्लिस्टर, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब हो सकता है. ज़्यादा दिक्कत अगर हो जाए तो, अगर एक्चुअली कोई टॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है बग आपके अंदर, तो उस टॉक्सिन के वजह से आपको नौजिया, वॉमिटिंग, एलर्जिक रिएक्शन, कभी कभी हार्ट रेट बढ़ जाना, कभी कभी लिप्स में सूजन आ जाना, कभी टंग में सूजन आ जाना, ऐसी ओवरऑल वाइड रेंज एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं. उसके बाद में छाती में दर्द हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है. अब इचिंग क्यों होती है, कई लोग बोलते हैं कि भाई साहब
किसी ने काटा, बग ने काटा, तो खुजली क्यों होती है? खुजली होती है बिकॉज जो इचिंग सेंसेशंस हैं इसमें उनके सलाइवा जो जो काटते हैं ना, जैसे मच्छर ने काटा तो मच्छर के सलाइवा में इचिंग इचिंग करता है, जो कि बग काटते हैं इचिंग बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है? और मच्छर के सलाइवा में इचिंग करने वाले केमिकल्स होते हैं। सो बग बाइट को ट्रीट कैसे करेंगे, घर पे कैसे ट्रीट करेंगे? पहले तो जेंटली थोड़ा सा क्लीन करेंगे साबुन पानी से, और ब्लिस्टर है तो फोड़ना नहीं, ब्लिस्टर को फोड़ना नहीं। ठंडा कंप्रेसेस लगा सकते हो, आइस पैक लगा सकते हो जो एरिया है उसके ऊपर, सूजन कम करने के लिए, अगर सूजन आ रही है, दर्द कम करने के लिए, दर्द हो रहा है। उसके बाद में ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशंस लेनी होती है, ओटीसी पेन मेडिकेशन, ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशंस लेना होता है। अब ये ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशंस हम ले सकते हैं, इचिंग के लिए मेडिकेशन ले सकते हैं, जैसे क्रीम लगा सकते हैं, जैसे कैलामाइन लोशन, सबसे सेफेस्ट कैलामाइन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन की क्रीम लगा सकते हैं, और ओरल एंटीहिस्टामिन ले सकते हैं, एरी एंटीहिस्टामिन यानी सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन, ऐसी चीज़ों से आराम आता है। बेकिंग सोडा पेस्ट लगा सकते हैं उसके ऊपर, होम रेमेडी के हिसाब से बेकिंग सोडा पानी के साथ पेस्ट बन जाए तब उसके बाद उसके ऊपर लगा दें, वो भी जी हाँ एसिडिटी कम करेगा। और उसके अलावा कोई नेचुरल रेमेडी ट्राई करने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करें, खतरनाक तरीके की नेचुरल रेमेडीज दुनिया में दी होती हैं अपने मन से बना के भी कई बार, सो वो प्रॉब्लम ना कर दें आपको। इसलिए फिर अगर ठीक नहीं हो रहा तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। प्रिवेंशन के लिए ऑलरेडी यू नो भाई साहब के किसी भी प्रकार के हाइजीनिक अनहाइजीनिक सिचुएशन से बचें, पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरों मच्छरों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखें, और लाइट कलर के डार्क नहीं लाइट कलर के कपड़े पहने जो आपके पूरे हाथों को कवर करे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और सॉक्स पहने जब भी बाहर जा रहे हैं, खासकर अगर गार्डन एरियाज में, जंगल एरियाज में हाइकिंग फाइकिंग के लिए जा रहे हैं तो याद रखें। घर का पेस्ट कंट्रोल रेगुलर कराएं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के ज़्यादातर बग बाइट्स, ज़्यादातर इंसेक्ट बाइट्स जानलेवा नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार उन्हें इग्नोर किया जाए। सो अगर दिक्कत बनी हुई है, खुद ठीक नहीं हो रही है, दिक्कत बढ़ रही है, तो हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने से कतराएं ना, ठीक है? कई बार हमारी एक छोटी सी मिस्टेक बहुत ज़्यादा लंबे समय तक या बहुत ज़्यादा हानिकारक बन जाती है। सो बिफोर दैट हैपन्स बेटर गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट बग बाइट एंड व्हाट यू शुड नो अबाउट देम। और फर्स्ट एड में जैसा हमने ऑलरेडी बताया आपको कि कई सारे, इट डिपेंड्स अपॉन द इंसेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेइंग। पहले चीज़ तो है कि एक सेफ एरिया में पहले चले जाएं, राइट? अगर वहाँ पे आपको दिख रहा है स्टिंगर यानी कि कुछ है अंदर, तो उसको निकाल लें, साबुन पानी से धोएं, ठंडे कंप्रेसेस लगाना है, बर्फ़ लगाना है, हाइड्रोकॉर्टिसोन की क्रीम लगा सकते हैं, सूजन कम कर सकते हैं, कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं, पूरे बॉडी में दिक्कत हो रही है तो बेनेड्रिल जैसा एंटीहिस्टामिनिक ले सकते हैं, या फिर सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन, मोंटेलुकास, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं एलर्जीज के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे अगर दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, बेकिंग सोडा का पेस्ट लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। डॉक्टर के पास कब जाएं, कौन से साइन पे? अगर डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सूजन हो रही है लिप्स में, आंखों के चेहरे पे कहीं पे भी सूजन आ रही है, धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, चक्कर आ रहा है, गिर रहे हो, कन्फ्यूजन हो रहा है, हाइव्स हो रहे हैं यानी कि छाले बढ़ते जा रहे हैं पूरे शरीर में, उल्टी आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, या हमें लग रहा है कि हमें बिच्छू ने काटा है, स्कॉर्पियन बाइट है ऐसी किसी, या सांप ने काटा है, तो ऐसी चीज़ों में डॉक्टर के पास तुरंत जाए। अगर ऑलरेडी एलर्जिक रिएक्शंस रहता है और एलर्जी के लिए दवाई लेते रहते हो और एपीपेन नाम की कोई चीज़ आपके पास ऑलरेडी, ऐसा कोई इंजेक्टर, कोई एंटी एलर्जिक मेडिकेशन है, तो आप ले सकते हैं जो आपको ऑलरेडी डॉक्टर ने बता रखी है। अगर कभी कोई पेशेंट ऐसा दिख जाता है जिसको एलर्जिक रिएक्शन से अनकॉन्शियस है, तो ऑब्वियसली उसके कपड़े गले और इसके पहले कपड़े ढीले करें, उसके ऊपर अगर उसको ब्लैंकेट पहनाए ठंड ना लगे, उसको कुछ खाने पीने को मत देना। अगर कोई पेशेंट खासकर अपने होश में नहीं है, बेहोश है, राइट, चोक कर रहा है तो गलती से भी नहीं,
और अगर वॉमिटिंग कर रहा है तो उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटा दो, लेफ्ट लैटरल में लेटा के वॉमिटिंग करने दो, सीधा लेटेगा, वॉमिटिंग सीधा नाक में सांस में जाएगी या सांस की नली में जा सकती है, तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में डाल दो। और अगर आपको लगता है कि दिल की धड़कन नहीं चल रही है, पल्स नहीं है, सांस नहीं ले रहा है, तो CPR करना शुरू करो, CPR करना शुरू करो और कॉल फॉर हेल्प एज सून एज पॉसिबल, राइट? सो दिस इज द बेसिक, दिस इज ऑल अबाउट इट, विच शुड नो अबाउट एलर्जिक दिस बग बाइट, कैसे करना है कैसे नहीं, सेफ से लेके सिवियर तक, राइट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क। थैंक यू सो मच।